सब्सक्राइब करें कुकिंग विद अंबर चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद अंबर। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी वो रेस्टोरेंट स्टाइल में आपको बहुत पसंद आएगी। ज़बरदस्त रेसिपी है, हैदराबादी शाही कोरमा, आपको बहुत पसंद आएगा। जिसके लिए मैंने 1.5 किलो चिकन लिए, 1 चम्मच पिसी हुई मिर्च, 1 चम्मच हल्दी, 1.5 चम्मच पिसा हुआ धनिया और जायफल का 1 टुकड़ा ले लें आप, और इलायची, सब्ज इलायची जो है वो 6 से 7 अदद ले लें, और जावित्री आप ले लें 2 अदद, ऐसे टुकड़े आप ले लें, और नमक ले लें 1 चम्मच, और गरम मसाला भी 1 चम्मच ले लें, प्याज 4 अदद बारीक कटी हुई, 1 प्याली बादाम, 1 प्याली पिसा हुआ खोपरा, और फ्रेश क्रीम के 3 चम्मच ले लें, और पिसा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट 3 चम्मच बड़े भर के ले लें आप, और 1.5 पाव दही, और 1 प्याली आप कुकिंग ऑयल ले लें। कुकिंग ऑयल कोरमे में ज़्यादा जाता है इसलिए मैंने लिया है। जो मैंने आपको पकवान ऑयल बताया था वो गर्म हो गया है, अब इसमें हम प्याज डालेंगे। लाइट ब्राउन करेंगे प्याज को, लाइट जब ब्राउन हो जाएगी तो इसको हम प्याज को निकाल लेंगे। और ये हैदराबादी शाही कोरमा बहुत ही मज़ेदार और आपको बहुत पसंद आएगा, मैंने सोचा आपके साथ ये रेसिपी शेयर करूं। ये रेस्टोरेंट स्टाइल में मैं बना रही हूं, आपको बहुत पसंद आएगी ये मेरी रेसिपी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब ये जब गोल्डन ब्राउन प्याज हो जाएगी तो हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब प्याज लाइट ब्राउन हो गई थी तो हमने निकाल ली एक प्लेट पे, अब अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा इसमें। फिर से हम चिकन डाल लेंगे, अब इसमें चिकन जाएगी। अभी चिकन डाल दिया, फिर अदरक लहसुन में हम इसको अच्छी तरह भूनेंगे। 5 मिनट हम इसको भूनेंगे, हमारी चिकन वाइट हो जाएगी और अदरक लहसुन से इसकी स्मेल जो होती है चिकन की खत्म हो जाएगी। 5 मिनट आप इसको भूनें। अब हमारा अदरक लहसुन और चिकन जो है वो अच्छी तरह भुन गया है, वाइट हो गई हमारी चिकन। अब इसमें जो मैंने मसाले बताए थे आपको वो डालेंगे। सबसे पहले गरम मसाला जाएगा इसमें 1 चम्मच, नमक जाएगा, पिसी हुई मिर्च, हल्दी 1 चम्मच, पिसा हुआ धनिया, इसको अच्छी तरह भूनेंगे मसाले के साथ। जायफल और जावित्री और हरी इलायची, उसको इलायची को हम छील कर और प्याज के अंदर डाल के ग्राइंडर कर लेंगे, और सबसे लास्ट में मैं डालूंगी, आपको बताऊंगी इन तीनों चीज़ों को, प्याज, जायफल और जावित्री और हरी इलायची को हम ग्राइंडर में पीस लेंगे। अब इसको हम 5 मिनट के लिए रखेंगे ढककर।
अच्छी तरह भून गया है। मसाला अच्छी तरह देखें भून गया है। अब इसके अंदर हम दही डालेंगे। दही को अच्छी तरह आप फेंट के डालें, कभी भी दही ऐसे न डालिएगा। खुशबू माशाल्लाह से इतनी अच्छी आ रही है कोरमे की। अब ये दही के पानी में ही गल जाएगा, और अगर नहीं गले तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि चिकन के ऊपर भी डिपेंड करता है। आजकल बड़ी चिकन भी आ रही है, छोटी चिकन भी आ रही है, तो अगर आपकी चिकन नहीं गले तो आप पानी ऐड कर लीजिएगा इसमें। अब 20 मिनट के लिए आप ढक्कन ढक के रख दें धीमी आँच में। हमारा चिकन भी गल जाएगा, मसाला भी अच्छा सा भुन जाएगा। माशाल्लाह चिकन तैयार हो गया है, बिल्कुल भुनाई पर आ गया है, और चिकन भी हमारी अच्छी तरह गल गई है। अब इस पोजीशन पे हम पिसा हुआ खोपरा डालेंगे इसके अंदर। तेज आंच में हम इसको भूनेंगे, भुनाई होगी इसकी। चिकन हमारी बिल्कुल गल गई है, जो मैंने आपको बताया था दही के पानी से। एक से दो मिनट लगेंगे खोपरा हमने डाला है तो भूनने में। बादाम और फ्रेश क्रीम का जो मैंने आपको बताया था उसको मिक्स कर ब्लेंडर में मैंने पीस लिया है, अब वो जाएगा इसके अंदर। और थोड़ा ये है कि बादाम मैंने मोटे मोटे छोड़ दिए, इसके अंदर कोरमे के अंदर खूबसूरत लगते हैं वो। हैदराबादी शाही कोरमा ज़बरदस्त तैयार है, स्पाइसी सा मज़ेदार। अब इसको दो मिनट के लिए हम भूनेंगे अच्छी तरह। अब इसके अंदर जो मैंने आपको बताया था प्याज, जायफल, जावित्री और हरी इलायची का पेस्ट पीस लें आप प्याज के साथ, वो इसके अंदर जाएगा। अब तेज़ आंच में आप इसको भूनें। दो मिनट के लिए हम इसको भूनेंगे। माशाल्लाह हमारा हैदराबादी शाही कोरमा तैयार है। अब इसके अंदर हम एक गरम मसाला भर के डालेंगे चमचा पिसा हुआ। अगर आपकी मर्ज़ी आप डालना चाहें तो डालें, अगर इसे हम तो स्पाइसी खाते हैं इसी वजह से हमने डाला है इसके अंदर। इसको मिक्स कर लें आप। हम डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह हमारा हैदराबादी शाही कोरमा तैयार है, नान के साथ खाएं, आपको बहुत पसंद आएगी मेरी रेसिपी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।